भव्य रूप देखिए आप, और एक शानदार एजुकेशन हब और इंडस्ट्रीज हब। दोस्तों, लोकल इन्फो बाई टी एस में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये पटना का बिहटा का सिकंदरपुर है, जो है एक इंडस्ट्रियल हब, यानी यूं कहूं कि ये बिहटा का सिकंदरपुर है। और मैं कंटिन्यू इंडस्ट्रियल हब का अपडेट दे रहा हूं, जैसे बेगूसराय का बरौनी में है, रामाशीष चौक के पास एक है, मैं उसका अपडेट बहुत जल्द दूंगा, या फिर बिहटा का सिकंदरपुर है जिसका कि कई बार अपडेट दिया हूं, और बहुत जल्द मुजफ्फरपुर का बेला का भी अपडेट दूंगा। तो चलिए यहां दिखाता हूं क्या क्या प्रोजेक्ट है, कितनी काम हुई है, क्या कुछ यहां बदल रहा है, वो सब मैं आपको लास्ट तक अपडेट दूंगा। में यही रास्ता है जो इंडस्ट्रियल हब को कनेक्ट करता है, ये एजुकेशन हब और इंडस्ट्रियल हब दोनों है। यहाँ पर इंडस्ट्रीज भी है और एजुकेशन के लिए भी बड़े बड़े कॉलेजेस बन रहे हैं। और इस साइड जो ये रोड देख रहे हैं जिस पे गाड़ियाँ चली है, पटना बक्सर फोर लेन है, और दानापुर बीटा जो एलिवेटेड रोड है वो यहीं पर कहीं पर आकर इंड हो रही है, जिसका अपडेट मैं अलग से दिया हूँ। तो मैं बारी बारी से पूरी चीज़ का अपडेट दूंगा। सबसे पहले जो दिखाऊंगा मैं वो NIT का कैंपस दिखाऊंगा, नया वाला जो 145 एकड़ में बन रहा है। फिर ब्रिटानिया का है, यहाँ पर मैरी गोल्ड का भी सुना कि बनने वाला है, या प्रिया गोल्ड का, और प्लग एंड प्ले, फिर क्लस्टर का, बैग का, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ, या फिर जो भी फैक्ट्री कहिए, इंडस्ट्रीज़ कहिए, या प्लांट कहिए, जो भी चीज़ है वो सब मैं दिखाऊंगा बारी बारी से। कुछ ऑफिसेज भी है, वो भी मैं दिखाऊंगा कि आप जोरों शोरों से काम चल रहा है। ये जो क्रेन आप देख रहे हैं तो ये DMI का ऑफिस है, डेवलपमेंट मैनेजमेंट है, उसके जस्ट पीछे NIT का कैंपस बन रहा है, और वहाँ जो आप देख रहे हैं पीछे वो हॉस्टल बन रहा है। और ये वाला वाइट वाला जो देख रहे हैं आप, तो ये MSME का है, उसके जस्ट पीछे जो लंबा लंबा निकला हुआ देख रहे हैं वो ब्रिटानिया का है, उसके पीछे भी बहुत है, और वहाँ जो वाइट वाला देख रहे हैं वो दूसरा चीज़ का। तो चलिए मैं सबको क्लोज चल करके दिखाऊंगा और एक एक करके दिखाऊंगा आपको अच्छे से। सबसे पहले मैं NIT कैंपस के बारे में बताऊंगा। औद्योगिक क्षेत्र है सिकंदरपुर बिहटा बेड़ा का, देखिए आप। तो मॉर्निंग का टाइम है और अपना काम करने वाले लोग का कंटिन्यू तांता लगा हुआ है, और सामने जो देख रहे हैं आप बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकरण औद्योगिक क्षेत्र सिकंदरपुर। चलिए, तो पहले से इसकी काम की रफ्तार बहुत बढ़ गई है। इससे पहले अपडेट देने आया था तो ये सब बहुत कम ही था, मतलब एक ही फ्लोर दो फ्लोर था, अब एकदम फ्लोर पे फ्लोर खींचा चला जा रहा है। और यहाँ पर मैं पहले ही बताया कि एजुकेशन भी है और इंडस्ट्रीज़ भी है, और अगले मंथ यानी अप्रैल में ही चालू होने वाला NIT कैंपस, जो लगभग 145 एकड़ में फैला हुआ है और लगभग 600 करोड़ की लागत से बन रहा है, और लगभग 6500 बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करेंगे रहेंगे। उसमें एकेडमिक फैसिलिटी सब चीज़ रहेगी, जो एक एजुकेशन के लिए जो भी चीज़ें की ज़रूरत होती है। ये अलग है डिपार्टमेंट, सब अलग अलग डिपार्टमेंट है। इसका ऑफिस पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया में कहीं पर है। तो यहाँ DMI का ये बन रहा है, डेवलपमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, तो ये एक अलग है, और उसके पीछे NIT बना हुआ है, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट बन रहे हैं। सिर्फ मैं अभी DMI और NIT बता रहा हूँ, और यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल हब है। फिर फ्यूचर में बुलेट ट्रेन आरा में कहीं पर बनने वाला है, या तो बिहटा में फिर नेक्स्ट बनेगा, या फिर पटना एम्स के पास कहीं पर बनेगा। तो DMI का आप देखिए आप, और इसके पीछे भी बहुत कुछ बन रहा है, वो भी मैं चल कर दिखाऊँगा। और NIT का तो बात ही नहीं कीजिए, इतना फास्ट हुआ है कि मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता था कि ये इतना फास्ट बनकर तैयार हो चुका है। हालांकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, तो इसे ऐसे भी आप समझ लीजिए कि 2024 में जितने भी प्रोजेक्ट अटके हुए हैं, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसे जितनी जल्दी हो सके इलेक्शन से पहले चालू कर देना। हालांकि इलेक्शन के बीच में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ किसी भी चीज़ को लेकर, कोई खास गवर्नमेंट या किसी के बारे में नहीं बोलता हूँ, क्योंकि हमें सब दिन वीडियोज़ बनानी है और सभी जगह जाना है, तो गलती से किसी के चक्कर में पड़ गए तो फिर लेने के देनी पड़ जाएगा। और वो सामने हमारा प्यारा झंडा, NIT का बोर्ड भी लग चुका है, गेट भी बन चुका है। इससे पहले आया था तो सब बहुत पीछे था, लेकिन दो महीने में ही काम बहुत खींच चुका है। वैसे तो 560 करोड़ कहीं पे लिखा हुआ है, कहीं पे 570 करोड़, लेकिन अप्रोक्स 600 करोड़ रखिए आप, तो समझ सकते हैं आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना का कितना बड़ा ये यूनिट है कि 600 करोड़ की लागत से बन रहा है। मैं एक भाग दिखा रहा हूँ, इसका दो एंट्री है, एक इस साइड है, एक दूर बहुत दूर उस साइड है। तो मैं कोशिश करूँगा पीछे जा करके अपडेट दिखाने का। तो ये कलरफुल देखिए आप, एकदम टाइल्स और मार्बल लग करके रेडी हो चुका है, और अप्रैल में ही यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है जो भी बैच है। इसे बनाने वाली कंपनी अहलूवालिया कंस्ट्रक्शन है। अहलूवालिया कंस्ट्रक्शन बहुत सारे बिहार के प्रोजेक्ट को बना रही है। शाहपुर जी पालन जी है, अहलूवालिया कंस्ट्रक्शन है ये सब, और सभी लोगों का एंट्री हो रहा है। मैं मॉर्निंग में ही वीडियो बनाता हूँ। भव्य रूप देखिए आप, और एक शानदार एजुकेशन हब और इंडस्ट्रीज हब, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकरण संस्था पटना, देखिए आप कितनी खूबसूरत।
ये लाजवाब है, और अभी तो बहुत कुछ बनना बाकी है। तरीके से देखिए आप कितनी खूबसूरत है ये, और कंटिन्यू मैं इसका अभी अपडेट 3-4 दूंगा जब तक ये ओपनिंग ना हो जाए, यानी कि अभी इसे ओपनिंग होने में 1 मंथ का टाइम है, और वन मंथ में यहाँ पर बहुत कुछ बदलाव होगा। कि अभी जो प्रेजेंट में हो वो एकेडमिक ही होगा, अभी स्टार्ट होगा, हॉस्टल वगैरह तो पीछे है, वो दूर जो क्रेन देख रहे हैं आप वहाँ पर हॉस्टल होगा। चलिए कुछ पीछे से भी इसका रूप दिखाता हूँ, मतलब पीछे से मतलब कि गेट नंबर 2 साइड। तो मैं जहाँ चल रहा हूँ ये समझिए कि 10 प्रोजेक्ट चल रहा है, 10 से प्लस चल रहा है। ये वाला बिल्डिंग अलग है, जो ये क्रेन लगी हुई अलग है, इसके NIT कैंपस है। इस साइड जो वाइट वाला मैं बताया आपको MSME का है, उसके फिर जस्ट पीछे भी कुछ है, उसके बाद फिर ब्रिटानिया है, और इस साइड जो सामने वाइट वाला देख रहे हैं आप तो वो अलग है। तो बहुत सारी प्रोजेक्ट है, लेकिन NIT का कैंपस जो है वो एक तरफ से होते हुए पूरे जो है कि लगभग 145 एकड़ का है कवर कर रही है, और अगर पूरा एरिया को देखा जाए तो प्लस 600 प्लस एकड़ में ये फैला हुआ होगा। जो हिसाब से जगह है ज़्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो ये पूरा डेवलपमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का बिल्डिंग है ये जो आप सामने देख रहे हैं, और काफ़ी बड़ा एरिया में है। उसके पीछे जो मैं आपको NIT कैंपस दिखाया तो वो भी बहुत बड़ा एरिया में फैला हुआ दूर तक, और अभी तो उद्योग लगना भी बाकी है। ये सब अभी ट्रायल है, गवर्नमेंट चाह रही है कि किस तरीके से बेरा के द्वारा इंडस्ट्रीज आए, 500 एकड़ 1000 एकड़ में वो फैले। हालांकि फ्यूचर में ऐसा होगा कि एक एक कंपनी को 5-5 हज़ार एकड़ ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है, पूरा गांव का गांव खाली करवाना पड़ता है। तो खैर जो भी है, ये स्टार्टअप है यूँ कहूँ कि बिहार में उद्योग के लिए, प्रोजेक्ट के लिए, और इन फ्यूचर कोई भी एक यंगेस्ट लीडर जब बनेगा हमारे बिहार का CM तो वो बेहतर सोचेगा हमारी तरह, और नेक्स्ट जनरेशन की तरह, और नेक्स्ट जनरेशन के लिए। फिर ये वाला अलग आता है, इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेट सेंटर बिहार, तो ये प्रोजेक्ट का नाम अलग है, वो बॉन्डी के बाद वो DMI का चला आता है। और दूर जो देख रहे हैं इतनी सारी अपार्टमेंट, वो NIT कैंपस है, वाकई में वो काफ़ी बड़ा है। और ये पूरी जगह जितना बड़ा देख रहे हैं ना आप, लगभग 500-600 एकड़ मैं जो भी कह रहा हूँ, IIT यानी बीटा वो इस साइड है, यहाँ से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर होगी, 5 किलोमीटर की दूरी पर, वो अकेला 500 एकड़ में फैला हुआ है। तो पटना का जो बिहटा है यूँ कहूँ कि एक इंडस्ट्रियल हब, एक एजुकेशन हब, और फ्यूचर में बहुत कुछ होगा, क्योंकि जो भी ज़मीनें हैं वो गवर्नमेंट अपने हिसाब से जितना चाहे उतना इस एरिया में ले रही है, और एक फ्यूचर को देखते हुए एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर एजुकेशन हब, बेहतर कनेक्टिविटी के लिए एक बेहतर रोड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हर चीज़ बना रही है। ये जो खाली प्लॉट देख रहे हैं तो ये क्लस्टर का है पूरा, और ये जो वाइट वाला देख रहे हैं ये MSME का है। तो MSME स्मॉल फाइनेंस करके कुछ होता है, बिजनेस से रिलेटेड, उससे रिलेटेड है ये। ये कंपनी जो काम कर रही, इसे बनाने वाली वो टाटा कंपनी काम कर रही है, और प्रेजेंट में जो ऑपरेशनल है वो सिर्फ अभी ब्रिटानिया का है। और ये देखिए बिहार औद्योगिक क्षेत्र क्लस्टर का ये पूरा ज़मीन खाली है। तो बात करूँ तो हर किसी का 15 एकड़, 20 एकड़, 25 एकड़ ज़मीन रखा गया है। इसी तरीके से जिस तरीके से मैं अभी बेगूसराय को कवर किया तो वहाँ पर भी सभी डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग ज़मीन रखी हुई है। बेला बहुत जल्द कवर करूँगा, मैं बोल रहा हूँ तो मैं कवर करूँगा, भले 2 महीना लेट हो जाए लेकिन मैं कवर करूँगा। ब्रिटानिया का तो बात ही अलग है, ब्रिटानिया में तो बहुत सारे लोग का जॉब भी है, लगभग 500 प्लस लोगों का जॉब भी है इसमें। जॉब के लिए आप ट्राई कर सकते हैं, यहाँ आकर के रिज्यूमे वगैरह जमा कर सकते हैं। टाइमिंग वगैरह पहले स्टार्टिंग में था जॉब वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन अब ऐसा कुछ है नहीं, तो आप अपना आएँ और यहाँ आकर के रिज्यूमे वगैरह दें, यहाँ जमा करें, ये गेट नंबर 1 है। फिर इसी तरीके से तो यहाँ वैकेंसी वगैरह है नहीं कुछ, तो रिज्यूम वगैरह के लिए आप परेशान ना हो। तो आप इन सब जगहों पे, मतलब जो सिविल वर्क से रिलेटेड हैं तो वो अपना इन सब जगहों पे आकर ट्राई कर सकते हैं। तो इसके अंदर जाइएगा तो मानो जैसे विदेश में आप आ गए हैं। 2 एंट्री है, एग्जिट है इसकी, एक जिस साइड में था एक आगे में है। और अभी भी ये सब जो जगह देख रहे हैं तो पार्किंग के लिए जो गाड़ियाँ लगेंगी तो इस पर शेड लगाया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत दूर से आते हैं। तो एक एंट्री यहाँ पे है, 2 एंट्री है, उसके बाद फिर मैं बताया था आपको कि ये एक अलग एजुकेशन के लिए बन रहा है। तो एक गेट यहाँ पे, वो एजुकेशन या किसी भी चीज़ से हो, चलिए मैं वो भी क्लोज चढ़कर दिखाता हूँ। तो इसमें भी काम जोरों शोरों से लगा हुआ, देखिए आप, इसका भी मैं नाम पढ़कर बताता हूँ आप लोगों को। तो ये इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल एंड टेक्नोलॉजी, पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी है, और इस तरह भी बहुत सारी कुछ है, लेकिन अभी नाम पता नहीं चल रहा है। मैं बारी बारी से सब कुछ दिखाऊंगा आप लोगों को, देखता हूँ प्लग एंड प्ले का भी इस तरफ कहीं पर काम चल रहा है। काफ़ी मैं अंदर चला आया, और अभी जितना भी पूरा खाली ज़मीन देख रही है सब NIT का ही है, और NIT का भी 50% मतलब 50 एकड़ पे ही काम चल रहा है, और ये पेट्रोकेमिकल का तो दिखाया ही मैं आपको, तो 50 एकड़ में ही काम चल रहा है। NIT का इस तरफ से भी एक एंट्री है,
मतलब NIT को इस तरीके से बनाया जा रहा है कि इसमें हॉस्टल, एकेडमी, फिर स्विमिंग पूल, ट्रैक सब कुछ होगा। और फ्यूचर को देखते हुए मैं पहले ही बताया इसे बनाया जा रहा है। और इस तरफ ये जो देख रहे हैं शायद ही इससे पहले आया था तो नर्सरी के लिए बताया गया था, लेकिन चलिए क्लोज चलता हूँ और देखता हूँ। तो अभी तक तो इस पर बोर्ड लगा हुआ नहीं मिला है, लेकिन चलिए आगे देखता हूँ, कहीं बोर्ड लगा हुआ मिलेगा तो मैं इसका भी नाम बता दूंगा। वैसे इससे पहले आया था तो बताया गया था कि ये नर्सरी है, बीज भंडार और पेड़ पौधे के लिए है। तो खैर जो भी हो, तो अभी तक तो हमें नाम नहीं मिला, लेकिन फ्यूचर में मैं बताऊंगा अच्छे से कि ये किस चीज़ का बिल्डिंग है। और ये NIT का सेकंड गेट है जहाँ पर हॉस्टल वगैरह बन रहा है। एकेडमिक तो फर्स्ट गेट से है, तो अभी इसकी स्थापना शायद नहीं हुई है, बोर्ड अभी तो अंदर कंस्ट्रक्शन ही है, काम लगा हुआ है जोरों शोरों से। तो जैसे कुछ होगा तो मैं कंटिन्यू इसका भी बताऊँगा। चलिए आगे प्लग एंड प्ले का भी कुछ काम चल रहा है, अभी दिखाता हूँ। तो इस तरफ वाला जो आप देख रहे हैं इसे बताया गया है कि प्लग एंड प्ले है। तो प्लग एंड प्ले तो खैर अभी भी मैं नहीं जानता, फिर इसके बाद खाली ज़मीन भी है तो खाली प्लॉट किस चीज़ के लिए भी नहीं पता है। जैसे जैसे काम होता रहेगा या इसका स्ट्रक्चर कुछ भी आएगा तो मैं आपको अपडेट देता ही रहूँगा। तो वैसे मैं पूरा आपको गोल गोल घुमाने की कोशिश किया, भले ही काफ़ी बड़ा एरिया में है ये, ज़्यादा एकड़ में भी हो सकती है। मैं 600 एकड़ बोल रहा हूँ तो ये नहीं समझिए कि 600 ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन जो अनुभव है वो तो 600 एकड़ से ज़्यादा ही होगा। तो ये भी अंदर कंस्ट्रक्शन है, इससे पहले जब आया था तो लोहे का ही लग रहा था, लेकिन अब ब्रिक्स भी लग चुका है और पीछे का तो कुछ स्ट्रक्चर स्टार्ट भी हो चुका है। तो इसके बारे में कुछ पता हो आप लोगों को तो ज़रूर बताएं, क्योंकि दो बिल्डिंगों के बारे में हमें पता नहीं चल पा रहा है कि किस चीज़ का ये बिल्डिंगें हैं या किस चीज़ का ये यहाँ पर ऑफिस या प्लांट लग रहा है। और गार्ड भी सपोर्ट नहीं करते, वो भी नहीं बताते, वो तो डायरेक्ट बोलते हैं कि फ़ोटो मत लीजिए, वीडियो मत लीजिए। तो मैं एकदम लास्ट वाले में, यहाँ पर बोर्ड नहीं लगा हुआ है कि मैं कुछ बता सकता हूँ। तो यही एक अपडेट है मेरे माध्यम से छोटा सा, जो मैं गोल गोल घूम करके दिखाने की कोशिश किया बीटा इंडस्ट्रियल हब का, सिकंदरपुर का। तो चलिए अब मैं वीडियो को इन करता हूँ, फिर किसी और पार्ट में किसी और नए अपडेट के साथ मिलूंगा। तो वीडियो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा और मेरी मेहनत वीडियो देखने के लिए थैंक्स। और जुड़े रहिए इस तरह का अपडेट पाने के लिए, मैं कंटिन्यू बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े डेवलपमेंट, छोटे डेवलपमेंट और एजुकेशन हब, हॉस्पिटल्स, सभी चीज़ का अपडेट कर रहा हूँ कंटिन्यू।